राम राम सभी किसान भाइयों को। तो देखिए किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो किसान पशु पालते हैं, डेयरी फार्मर है, उन किसानों के डेयरी फार्मर के फ़ोन आए, क्योंकि हमने 5-4 दिन पहले एक यूट्यूब पर वीडियो डाली थी दूध बढ़ाने के लिए, और उन डेयरी फार्मरों के फ़ोन आए कि आपने बड़ा गजब का फार्मूला बताया, बड़ा सरल सस्ता और गजब का फार्मूला बताया है, तो ऐसा फार्मूला हमने आज तक नहीं सुना, तो इसी तरह का कोई फार्मूला बताए ताकि हम अपने पशुओं के जो लेउटी है ग्रोथ नहीं कर पाती उसको बढ़ा सकें। तो देखिए हमने जो 5-4 दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो डाली थी दूध बढ़ाने की, वो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें अब अगर आपके पशु का दूध कम है। तो अब बात करते हैं लेउटी बढ़ाने के लिए, लेवा बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसमें होता क्या है, पशु के जो ग्रंथियाँ होती है वो नहीं खुलती, नहीं खुलने के कारण पशु की लेउटी में फुलाव नहीं आता, वो ग्रोथ नहीं करती। तो उसका बड़ा सरल और आसान इलाज है, लेकिन किसान भाइयों को पता नहीं है। तो देखिए हमारे इन जड़ी बूटियों में, पेड़ पौधों में हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन हमने भी ये मुहिम छेड़ी हुई है, अभियान छेड़ा हुआ है कि किसान को हर बीमारी का इलाज बताएं, हर पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे किसानों तक शेयर करें, ताकि हर किसान इसका लाभ ले सके, फ़ायदा ले सके। तो अब बात करते हैं लेउटी बढ़ाने पर ग्रोथ नहीं करती उसके बारे में। उसमें देखिए आपको काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, और इसमें देखिए आप मुलट्ठी ले लें 100 ग्राम, ये ग्रंथी को खोलती है पशु की मुलट्ठी जो है, और आंवला ले लें 100 ग्राम, इसमें विटामिन सी और कई तत्व पाए जाते हैं, पशु के लिए बड़े फ़ायदेमंद है ये। इसके बाद लेना आपको सतावर, 100 ग्राम सतावर ले लें, पीले रंग का, एक सफ़ेद में आता है, पीले में येलो में आता है, पीले रंग का वो सतावर ले लें। और अश्वगंधा इसका भी 100 ग्राम ले लें आप, 100 ग्राम के लगभग, और ये अपने पशु के इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, तरह तरह की बीमारियों से रोकता है। और सौंफ ले लें 100 ग्राम, ये भी तासीर ठंडी होती है, पशु को गर्मी महसूस नहीं होने देती, तो पशु के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। इन सब चीज़ों को लेकर के आप कूट लें। देखिए मैंने ये जो वज़न बताया आपके, आप अपने वज़न पशु के हिसाब से वज़न इसका घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे काली मिर्च मैंने 20 ग्राम बताई है, अगर आप 40 ग्राम लेते हैं और मैंने 100 ग्राम बताई है, वो 200 कर दें आप, अपने हिसाब से कर लें। तो इसका देने का तरीका क्या है, देखिए 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को अपने पशु किसी भी तरह से खिला दें। खिलाने कब है, जब पशु ब्याने में 1 महीना, 45 दिन, 2 महीने जब बचे हैं, जब देनी स्टार्ट कर दे, जब तक आपका पशु ब्याता नहीं है, और ब्याने के बाद भी आप दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे पशु का दूध भी बढ़ता है। तो देखिए बड़ा सरल और आसान उपाय आपको बताया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे किसानों तक शेयर करें, ताकि हर किसान इसका लाभ ले सके। तो ये आप इस चैनल को किसान की आवाज़ निसार इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो तुरंत आपको मिले। सभी किसान भाइयों को राम राम।